नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आमतौर पर देश की राजनीति में ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं जो आपका और हमारा मन खट्टा कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे असंवेदनशील बातों को कह कैसे जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग ऐसी बात कह जाते हैं कि उनका पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मंत्री जी के बयान से। मंत्री ने कहा है कि जो समाज के लिए कुछ करते हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। गढ़खा शहीदों की धरती है, देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने गढ़खा के लिए ये कहा है। उन्होंने कहा है कि जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं उनकी ही जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। शहीद इंद्रदेव चौधरी ने स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनके जैसे हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, तब देश आज़ाद हुआ। उक्त बातें सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आदर्श मध्य विद्यालय कदना में आयोजित शहीद इंद्रदेव चौधरी की जयंती समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए सभी सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया, चाहे वो नल जल योजना हो या सरकार की सड़क, शौचालय, बिजली समेत सैकड़ों योजनाएं, जो जिसकी गांधी जी हमेशा चर्चा किया करते थे। विधान परिषद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि राज्य सरकार चतुर्मुख विकास कर रही है। पूर्व मंत्री मुनीश्वर चौधरी ने कहा कि जेडीयू सभी को बिना भेदभाव के साथ लेकर चलती है तथा सभी का विकास करती है। जेडीयू के बड़े नेता बैजनाथ प्रसाद विकन ने कहा कि गढ़खा शहीदों की धरती है, इस धरती ने इंद्रदेव चौधरी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया है। पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी ने कहा कि देश की आज़ादी में गढ़खा की धरती का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पहले मंत्री समेत अन्य लोगों ने गढ़खा के शहीद चौक स्थित इंद्रदेव चौधरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रघुनंदन मांझी, बिहार प्रसाद, संजय मालाकार, बीजेपी नेता अजीत सिंह, महेश्वर चौधरी, नागेंद्र सिंह, सुरेंद्र पटेल, राजेंद्र सिंह, शंकर सिंह, अविनाश कुमार सिंह, मंटू आदि उपस्थित थे। मंच का संचालन शहीद इंद्रदेव चौधरी समिति के अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल एवं धन्यवाद ज्ञापन जेडीयू नेता ओम प्रकाश शर्मा ने किया। हमारी ग्रामीण न्यूज सीरीज की ये खबर शंकर सिंह, जो कि बिहार से हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने भेजी है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर अभी दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।